स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एज यू रिमेंबर इन आवर लास्ट सेशन वी क्रिएटेड यूजर ए डिफाइंड फील्ड एज पर आवर ओन प्रेफरेंस टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स वी विश टू एसोसिएट विद आवर कस्टमर्स इन कस्टमर्स के साथ हमने ब्रांड नेम अटैच कर दिया जो कि उनका प्रिफर्ड ब्रांड नेम है इन टर्म्स ऑफ the requirement for steel and cement. अब जबकि उनके पास ये information आ गई है और हमने उसे record भी कर लिया है तो हम इस session में ये देखेंगे कि उस information को हम किस तरह से present कर सकते हैं We can present it in our reports or view it on our screens. Reports में हम ये सारी detail जो last time हमने उनके साथ कस्टमाइज फील्ड के साथ एसोसिएट की थी वो एज इन व्हेन रिक्वायर्ड इन विच एवर रिपोर्ट वी वॉन्ट वी कैन एड इन टूडे सेशन वी विल ऑल्सो सी हाउ टू फिल्टर आर रिपोर्ट टू ओनली शो सर्टेन फिल्टर्ड फिल्टर डेटा विद इन दैट रिपोर्ट एंड ऑल्सो वी कैन व्यू इट ऑन आर स्क्रीन एज वेल आपको जैसे कि याद है कि हमने लास्ट टाइम तीन यूजर डिफाइंड फील्ड बनाई थी जिसमें से एक थी स्टील एक सीमेंट और एक थी बर्थडे स्टील और सीमेंट स्पेसिफिकली हमारे कस्टमर्स के लिए थी और बर्थडे हमने टिक की थी हमारे तमाम कस्टमर्स वेंडर्स एज वेल एज फॉर ऑल आर एम्प्लॉयज हम रखना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हो और एज इन वन रिक्वायर्ड वी कैन सेंड देम अ बर्थडे विश लेकिन फॉर द मोमेंट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर

और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड मौजूद है अगेंस्ट ऑल आर कस्टमर्स नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज बिल्ड अ रिपोर्ट ऑन इट यू हैव टू क्लिक ऑन रिपोर्ट्स मेन्यू और जैसे ही आप रिपोर्ट्स मेन्यू में क्लिक करेंगे आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी इस मेन्यू में से आपने सेलेक्ट करना है कस्टमर्स एंड रिसीवेबल्स सिंस वी आर ओनली ट्राइंग टू सी वेदर आर कस्टमाइज फील्ड आर अवेलेबल और नॉट आप विद इन कस्टमर एंड रिसीवेबल मूव डाउन टू कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट इस कॉन्टैक्ट लिस्ट को जैसी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अपने तमाम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस रिपोर्ट की सूरत में नजर आ जाती है यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स और यू मे प्रिंटेड इफ यू वॉन्ट टू लेकिन इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड फील्ड नजर आ रही हैं वॉट वी नीड नाउ इज टू एड दो कस्टमाइज फील्ड विच वी क्रिएटेड प्रीवियसली अब आप ऊपर देखेंगे तो एसोसिएटेड विद दिस रिपोर्ट आर अ नंबर ऑफ बटन और आपको बटन पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाएगी कि इनका मतलब क्या है लेकिन सिंस वी आर गोइंग टू कस्टमाइज दिस रिपोर्ट एज पर आर रिक्वायरमेंट वी विल यूज द कस्टमाइज रिपोर्ट बटन अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने उसे किया तो पॉप अप विंडो में हमें वो तमाम फील्ड्स जो के हमारे पास मौजूद हैं अवेलेबल हैं टू बी यूज इन दिस रिपोर्ट वो अपीयर हो जाती हैं और जो हमने इसके लिए पहले से सेलेक्ट कर ली हैं उसके ऊपर टिक मार्क का निशान आपको नज़र आ रहा है लेकिन इन दिस केस वी नीड टू ऐड टू मोर फील्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द बर्थडे एट द मोमेंट

जैसे आपने ओके किया यू कैन सी दैट फील्ड नाउ अपीयर्स ऑन योर रिपोर्ट अब रिपोर्ट पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें एक पूरा कॉलम सीमेंट की प्रेफरेंस के बारे में है फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर जिसके अगेंस्ट आपने ये रिकॉर्ड किया था हमने जैसे कहा है कि हम सीमेंट के अलावा स्टील भी रिपोर्ट में शामिल करना चाहते हैं जस्ट राइट डाउन द स्पेलिंग जैसे आपने एस टी ई लिखा आपके सामने लिस्ट में स्टील नजर आ गया क्लिक ऑन इट उस पर एक टिक मार्क नजर आएगा क्लिक ओके नाउ यू हैव बोथ तीस कस्टमाइज फील्ड्स विच यू हैव क्रिएटेड इन द लास्ट सेक्शन अवेलेबल ऑन योर रिपोर्ट्स यू कैन गो ऑन एंड ऐड एनी नंबर ऑफ फील्ड्स विच आर मोर इन्फॉर्मेटिव एज फार एज यू और योर कस्टमर्स इज कंसर्न जितने भी आप समझते हैं कि ये फील्ड्स हमें चाहिए अपनी रिपोर्ट के लिए या उस इंफॉर्मेशन के लिए जो हम कस्टमर के अगेंस्ट सेफ करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं और उनके ऊपर रिपोर्ट निकाल सकते हैं अभी हमने क्योंकि हम सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल से इंटरेस्टेड हैं तो हमने ये दो चीज़ें इस्तेमाल की हैं लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि कस्टमर के साथ क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम एसोसिएट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर ये कस्टमर हर साल हमारे साथ काम करता है ये कस्टमर हमारे साथ किसी ख़ास पीरियड में काम करता है ये कस्टमर किस शहर किस प्रोविंस का है ये सारी इंफॉर्मेशन आप रख सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिज़नेस आगे चलेगा आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप रखना चाहते हैं और जिसको आप कस्टमाइज़ फील्ड के तहत रख सकते हैं और रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं फिलहाल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है हम बार दफ़ा चाहते हैं कि हमें ये पता हो कि हमारे कौन से कस्टमर्स किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे पास ब्रांड कौन कौन से हैं बार दफ़ा हमारे वेंडर्स जो हम, हमारे सप्लायर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से कस्टमर्स उनका ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनके पास भी ये डेटा मौजूद हो कि उनकी प्रोडक्ट कितनी मकबूल है ये इंफॉर्मेशन हमारे पास इस डेटा को फ़िल्टर करने से आ सकती है जैसे आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल वगैरह सब में फाइंड रिप्लेस और फिल्टर की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसी तरह बिल्कुल उसी तरह हमारे पास क्विक बुक्स में भी फिल्ट्रेशन की फैसिलिटी मौजूद है हम देखते हैं कि वो कहाँ से अवेलेबल होगी वंस अगेन गो टू कस्टमाइज रिपोर्ट एंड क्लिक ऑन द कस्टमाइज रिपोर्ट टैब इधर आपको एक टैब नज़र आएगा जिसपे लिखा होगा फ़िल्टर्स हम उस फिल्टर को टैप क्लिक करते हैं जैसे ही आप फिल्टर की टैप को क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम फील्ड्स ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड लिस्टेड नज़र आएंगी और जिसको हम चूज़ करते जाएंगे, वो ऊपर आती चली जाएगी इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग सीमेंट फील्ड टू फिल्टर आर रिपोर्ट जब आपने सीमेंट दबाया तो वो आपसे पूछ रहा है कि सीमेंट में कोई पर्टिकुलर ब्रांड है जिसे आप फ़िल्टर करना चाह रहे हैं तो जवाब है यस वी विश टू नो हाउ मैनी यूजर्स और कस्टमर्स आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सीमेंट जैसे ही आप अपना फिल्टर का पैरामीटर इसमें डालेंगे और इसे क्लिक करेंगे आपका फिल्टर एक्टिव हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में से एक्स वाई जी सीमेंट के अलावा तमाम नाम हट गए हैं यू कैन सी पीपल हु प्रीफर एक्स वाई जी सीमेंट ओनली और ये बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि ऑल यू हैव टू डू एज यूज़ द फिल्टरिंग एप्लीकेशन एंड गेट योर रिपोर्ट कस्टमाइज एज पर योर नीड हमने इस सेशन में अब तक दो काम किए हैं पहला काम हमने किया है कि हमने इसमें कस्टमाइज फील्ड ऐड की है अपनी रिपोर्ट में और दूसरा काम हमने किया है हमने अपनी रिपोर्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के तहत सेट किया है और फिल्टर करके रिपोर्ट निकाली है आइए देखते हैं एक बार फिर कि हम इसको और किस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं इस दफा व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज़ स्टील एंड इन स्टील वी आर गोइंग टू यूज़ ए बी सी स्टील एज आर फ़िल्टर्ड ब्रांड अब आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ए बी सी स्टील फिल्टर होके स्क्रीन पे नज़र आ गई है एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस वक्त हमारे पास एक्टिव स्टेटस में दो फील्डें नज़र आ रही हैं जो कि हमारे इस पूरे क्राइटेरिया को फिल्टर कर रही हैं वी कैन रिमूव दीज वन बाई वन और अब हम सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टील ब्रांड को इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हमें नज़र आएगा In this case, what we are going to do is we are going to filter steel using triple S steel products. Now you can see that now our filter is only triple S steel. And all tamam users who use this steel brand are listed in this report. So now you know how to create. कस्टमाइज फील्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सप्लायर्स एंड कस्टमर्स सेकेंड यू कैन यूज दो कस्टमाइज फील्ड इन योर कस्टमाइज रिपोर्ट फॉर कस्टमाइज रिपोर्टिंग एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो फिल्टर द रिपोर्ट एज इन वेन रिक्वायर्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपनी रिपोर्ट में हर किस्म के फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ तक कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा फिल्टर भी लगा सकते हैं अगर हम ये देखना चाहते ए बी सी स्टील इस्तेमाल करने वाला वो कौन सा यूज़र है जो एस एस सीमेंट भी इस्तेमाल करता है तो ये डुअल फिल्टर भी हम इस पर लगा सकते हैं आपका पूरा क्विक बुक्स बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है फिल्टरिंग के लिए जिस तरह आप कोई भी विंडो बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करें The main benefit of using QuickBooks is that all data within QuickBooks is safe and it can be transferred out in any way you want, either in shape of reports, PDF file or even Excel file. So basically, आप क्या कर रहे हैं? एक safe जगह पे अपना reports रख रहे हैं, अपना data collect कर रहे हैं और उसको as and when required, as per your requirement, उसको sort करके सेलेक्ट करके फिल्टर करके कस्टमाइज़ करके अपने यूजर्स के लिए और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं थैंक यू